मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बिहार की नीतीश सरकार के बहुमत परीक्षण के दिन सीबीआई और ईडी की छापेमारी के बाद राजद और जदयू के केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी और भाजपा की पर राजनीति छापेमारी का आरोप लगाया है। राजद ने ईडी और सीबीआई को भाजपा के स्क्रिप्ट पर काम करने वाला बताया है। बेकार कह रहे हैं ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और अब तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की हरेट कर रहे हैं, किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई। उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसका है, इसकी खुन्नस है। पॉलिटिकली लड़िए ना, लेकिन आपने जिस प्रकार से हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पर जो किया ना, 26 वर्षों से हम देख रहे हैं। केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है, तो सीबीआई ईडी से शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक रचा जा रहा है। ये लोकतंत्र की भूमि है। सीबीआई ईडी जैसी दर्जनों सैकड़ों संस्थाओं को ले आओगे, लेकिन दुनिया में कोई मायका लाल पैदा नहीं लिया है जो बिहार में विधायकों को, जो महागठबंधन का सरकार बना है, उस पर कोई दबाव बना सके। इसलिए भ्रम में मत रहिए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।